सभी ने फाइनली ब्लैक एडम मूवी देख ली है और इस मूवी को फैंस की ढेर सारी अप्रिसिएशन भी मिल रही है। हालांकि थोड़ा स्क्रीन प्ले कमजोर होने के बावजूद भी इस मूवी के फाइटिंग सीक्वेंसेस इतने प्रॉमिसिंग और इतने शानदार हैं कि आप सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट के रन टाइम को एंजॉय नहीं करेंगे, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। कहानी साधारण सी है कि कांधाक शहर है जो इंटरगैंग के आतंक से पीड़ित है। वहाँ पर एक दिन हादसे में कांधाक का रक्षक या कहें मसीहा वापस से जिंदा हो जाता है, जिसका नाम है टेथ एडम, जो आज से कई हजार साल वर्ष पूर्व का गुलाम था जिसको अपने बेटे हुरूत से शक्तियाँ मिली हैं। क्योंकि एक घटनाक्रम में जब टेथ एडम के परिवार के जान पर बल आती है तो शेजाम की शक्तियाँ उसके बेटे को मिलती हैं, पर वो मरने से पहले अपनी शक्तियाँ टेथ एडम को दे देता है और फिर टेथ एडम कांधाक के राजा को मारने जाता है, जिसके आतंक से सारा कांधाक परेशान है। और कुछ ऐसा हादसा होता है कि टेथ एडम को सारे जादूगर मिलकर कैद कर लेते हैं गुप्त स्थान में। और वर्तमान में जब उस स्थान पर एड्रियाना टोमेस जाती है तो इंटर गैंग से अपना बचाव करते हुए टेथ एडम यानी ब्लैक एडम को जगा देती है। और फिर जैसे सोसाइटी ऑफ अमेरिका को इस बात का पता चलता है और वो ब्लैक एडम को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाते हैं। साथ ही में मूवी में इटर्नियम धातु का जिक्र हुआ है जो सिर्फ कांधाक में पाई जाती है और इस धातु का एक मुकुट है जिसके आह्वान पर सबाक की शक्तियाँ दुनिया पर हावी हो जाएंगी। मारवन केंजारी जिन्होंने इस्माइल ग्रेगोर का किरदार निभाया है, उसके हाथ में वो इटर्नियम का मुकुट लग जाता है जिसकी शक्तियों के आह्वान से वो खुद सबैक बन जाता है। कैसे जैसे सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम का साथ देते हैं सबैक को हराने में, यही मूवी का पूरा सार है। साथ ही में मूवी में अमेंडा वॉलर को भी में दिखाया गया है जिन्होंने ब्लैक एडम को कंट्रोल करने के लिए जेएसए को अप्रोच किया था, पर एंड में आते आते ब्लैक एडम कांधाक का प्रोटेक्टर बन जाता है और कहीं न कहीं उसके दिल में अब कांधाक के लोगों के लिए एक रहम है, जिसकी वजह से जेएसए भी ब्लैक एडम को कैद से आजाद कर देते हैं। जैसे कि मेंबर्स डॉक्टर फेट, साइक्लोन, एटम स्मैशर और हॉकमैन के साथ ब्लैक एडम की बहुत ही तगड़ी फाइट दिखाई गई है। स्पेशली हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच में उसूलों की जो नोक झोंक के साथ एक फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाया गया है वो फनी भी है और इंटरेस्टिंग भी। एटम स्मैशर और साइक्लोन को ज्यादा फुटेज नहीं दी गई है अपनी बैक स्टोरी को बताने के लिए, पर उनके फाइटिंग सीक्वेंसेस एक्शन सीन्स बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखे गए हैं। पर सरप्राइज किया है पियर्स ब्रॉसनन ने, जिन्होंने अपने किरदार डॉक्टर फेट में जान फूंक दी है और सच में वो इस किरदार में इतने ज्यादा अच्छे लगे हैं कि उनकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और हाँ, मिड क्रेडिट सीन में सुपरमैन यानी हेनरी कैवल के अपीयरेंस में अगर आपने ताली न मारी तो कह देना, इतने सालों बाद सुपरमैन को ब्लैक एडम के सामने देखना वो भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में, वो किसी ट्रीट से कम नहीं, क्योंकि ये किसी सपने से कम नहीं जिसे हम डीसी फैंस न जाने कब से देख रहे थे। और ड्वेन जॉनसन ने फाइनली वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से बात करी और फैंस को इतना गजब थैंक यू बोला है इस जेस्चर के माध्यम से कि हमारा दिल गदगद हो गया है। इस मूवी के सीन्स परफेक्टली आई कैंडी है जिस पर काफी मेहनत की गई है, ये स्क्रीन पे साफ दिखता है। ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम के लिए ही बने, ये बात कहना गलत नहीं होगा। मैंने वाकई मूवी को एंजॉय किया क्योंकि ये मूवी फैंस के लिए ही बनी है, फैंस को जो चाहिए था वो इस मूवी में है और सच में ये मूवी एक आई कैंडी एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, मूवी के बीच के एक फाइटिंग सीक्वेंस में जब ब्लैक एडम हॉकमैन के साथ आपस में एड्रियाना के बेटे के रूम में लड़ रहे होते हैं तो उस लड़ाई के बीच में रूम पर लगे सारे जस्टिस लीग के पोस्टर्स एक एक करके फटने लगते हैं। ये यूं कहूं कि जस्टिस लीग के मेंबर्स के पोस्टर्स फटते हुए दिखाए गए हैं, मतलब ये एक तरह का हिंट है कि भाई ब्लैक एडम के सामने जस्टिस लीग भी कुछ भी नहीं। अगर ब्लैक एडम अपनी असली औकात पे आ जाए तो कॉमिक्स के फैंस तो जानते ही हैं कि कॉमिक्स में ब्लैक एडम ने जस्टिस लीग को कितना बुरा बुरा लथाड़ा है और भाई साहब वो भी गिरा गिरा के लथाड़ा है। दोस्तों, मुझे पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी है और मैं दूंगा इस मूवी को पूरे 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस के लिए, 1 स्टार ड्वेन जॉनसन की परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार मूवी के बीजीएम के लिए कि जब जब वो फाइटिंग सीन्स के बीच में बजता था तो भाई माहौल बन जाता था, और 0.5 स्टार हेनरी कैवल के प्रेजेंस के लिए जो उन्होंने मिड क्रेडिट सीन में आकर दिया है वो डीसी के फैंस के लिए गूज़बम्प की तरीके से, जिसको देखकर हम इतना उछले कि भाई अब तो शब्द ही पड़ गए हमारे पास। तो दोस्तों, आप बताओ आपको कैसी लगी ब्लैक एडम मूवी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपसे ऐसे ही जुड़े रहने की। तो दोस्तों, फिर से मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कीप वॉचिंग ब्लैक एडम।